दोस्तों, अगर आप भी 10 का धमकी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यम, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्तों महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ
एफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यम, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के शेयर संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजय नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के शेयर संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजय नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी दस का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के शेयर संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने
परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के शेष संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजय नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के शेयर संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजय नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यम, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के शेष संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है।
तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यम, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के से संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के से संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजय नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यम, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के शेष संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको
आपको मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यम, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है,
एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के से संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के से संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी 10 का धमकी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे,
जिसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के शेयर संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों, अगर आप भी 10 का धमकी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ
एस के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के से संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी दस का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया।
जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के शेष संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के शेष संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकसेन नायडू, निवेदिता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परिणीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यम, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है।
तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश
और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए।
अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्त महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के शेयर संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्तों महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को फार्मास्यूटिकल कंपनी SR फार्मा लाइफ के CEO के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और SR फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि SR फार्मा लाइफ के CEO संजय रुद्र कृष्णा के हम सकल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है, जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला, जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है, क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे
चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी 10 का धमकी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 का धमकी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 22 मार्च 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 10 का धमकी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर दोस्तों विश्वकसेन नायडू, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वकेशन नायडू, निवेता पेथुराज, अक्षरा गोड़ा, परनीत राय प्रकाश, थारुण भास्कर दास्यमे, रोहिणी आदि, राव रमेश, कौशिक महाता, पृथ्वीराज हाइपर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है और मूवी की कुल कितनी टाइम लेंथ है। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 31 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर ले ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको जियो सिनेमा की ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको जियो सिनेमा के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी हद तक एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप एक बार मूवी को ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा जियो सिनेमा के ऐप पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कृष्णा दास हैदराबाद के इंस्टीन नामक 5 सितारा होटल में एक वेटर है, जो एक शानदार जीवन शैली जीने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राहक उसे गरीब होने के कारण लगातार अपमानित करते हैं। अपने दोस्तों महेश और आदि के साथ कृष्णा जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करता है। एक दिन होटल में कृष्णा की मुलाकात कीर्ति से होती है और कृष्णा द्वारा खुद को
फार्मास्यूटिकल कंपनी एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ के रूप में पेश करने के कारण उसे कीर्ति से प्यार हो जाता है। कीर्ति को बाद में पता चला कि कृष्णा ने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया और बाद में उसे होटल से निकाल दिया गया। अपने रहने की व्यवस्था के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बताबी में कृष्णा और एसआर फार्मा लाइफ के सह संस्थापक ने पाया। बाद में पता चला कि एसआर फार्मा लाइफ के सीईओ संजय रुद्र कृष्णा के हमशक्ल है। संजय एक अमीर और दयालु डॉक्टर है जो कैंसर मुक्त दुनिया के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कैंसर का इलाज कर सकती है। बाद में उन्हें धनुजे नाम का एक निवेशक मिला जिसने परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश किया। जब संजय की एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा को 10 दिनों के लिए कंपनी और संजय के परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। इससे कृष्णा भ्रमित और खुश हो जाता है क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जी सकता है और थोड़े समय के लिए कीर्ति को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, क्या वे कीर्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।